जमशेदपुर में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। अपराधियों ने युवक पर चला दी गोली। हादसे में एक शख्स की मौत। नोएडा में एक किसान से घूस लेते लेखपाल का वीडियो वायरल। अधिकारियों ने वीडियो के आधार पर दिए जांच के आदेश। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट के दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाने में पैसों के विवाद को लेकर हुई बड़ी घटना। धारदार चाकू से युवक के शख्स पर कई हमले कर दिए। मिर्जापुर में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते पीड़ित के घर पर तोड़फोड़ करके आग लगा दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। वहीं दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व की तैयारियां। केमिकल छिड़काव के बाद भी नहीं कम हो रहा है झाग। जबकि दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर लगा छठ व्रतियों का तांता। लोगों ने भक्ति भाव से स्नान करके पूजा अर्चना की। वहीं छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है तालाबों और घाटों के आसपास की सड़कों पर यात्रा करने से बचें। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आज बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट बंद होने से पहले उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। छठ महाव्रत का आज दूसरा दिन है। व्रती आज करेंगे खरना पूजा। छठ महापर्व के बीच पटना जंक्शन पर देखी भारी भीड़। घर लौटे कामगार। राजस्थान के सिरोही में रैली के लिए पहुंची वसुंधरा राजे। इस दौरान उनकी हीरे की अंगूठी हेलीकॉप्टर के पास गिर गई। उंगली में अंगूठी नहीं देखकर वापस लौटी वसुंधरा। हेलीकॉप्टर के पास से मिली अंगूठी। हीरे की अंगूठी वापस मिलने पर वसुंधरा ने उसे फौरन उंगली में पहना और रैली स्थल की तरफ बढ़ चले। वडोदरा का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 11,000 दियों से रोशन हुआ। उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। सुरंग में अमेरिकी मशीन से खुदाई। मशीन और टनल के अंदर के तापमान को मेंटेन करने के लिए कूल डाउन पीरियड के चलते ड्रिलिंग हुई कम। इंदौर से मंगाई गई एक और मशीन। नई मशीन लाए जाने के बाद ड्रिलिंग के काम में तेजी आई है। सुरंग से हटाया जा रहा है मलबा। हालांकि कल शाम 4 बजे से रुका है। सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल एजेंसियों की भी नजर है। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन ने की है मदद की पेशकश। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने के लिए फिर एएसआई ने मांगा 15 दिनों का वक्त। आज होगी सुनवाई। जबकि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी अभियान तेज। भरतपुर और नागौर में पीएम की रैली। जैसलमेर और जोधपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रैली। लोगों को करेंगे संबोधित। वहीं तेलंगाना चुनाव में बीजेपी का जोर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को हैदराबाद में करेंगे रोड शो। हैदराबाद में आज गृहमंत्री अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो। वहां आयोजित 3 रैलियों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान तेज। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज भीमताल धोरी मन्ना झावर सहित व्यापर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मध्यप्रदेश में 76% से अधिक मतदान। छत्तीसगढ़ में 72% से ज्यादा लोगों ने डाला वोट। दोनों राज्यों में मिलाकर 300 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में तय हो गई। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण में 70 सीटों पर वोटिंग है। बघेल का दावा, राज्य में कांग्रेस के पक्ष में एकतरफा मतदान। आज तक से खास बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं सीएम की रेस में नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तानाताने। डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव सीएम की रेस में कूदे। बेटे और बहू ने भी बताया सबसे काबिल उम्मीदवार। वहीं मध्यप्रदेश में वोटिंग के बीच कई शहरों में हिंसा। इंदौर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए विरोधी नारे। जबकि मुरैना में वोटिंग के दौरान फायरिंग। जौरा विधानसभा के खिडौरा गांव में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष। एमपी की महू सीट पर भी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। तलवार से हमले में 4 लोग जख्मी हैं। जबकि छतरपुर में बीजेपी नेताओं की कारों पर पथराव। कांग्रेस नेता सलमान खान की कार से कुचलकर मौत मामले को लेकर गुस्सा था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मतदान करवाकर लौट रही पोलिंग पार्टी पर आईईडी ब्लास्ट। एक आईटीबीपी जवान शहीद। जालना में आरक्षण बचाओ यलगार सभा का आयोजन। ओबीसी समाज की मांग, मराठों को अलग से मिले आरक्षण।
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण पर फिर दिया भरोसा, मुख्यमंत्री बोले किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। नागपुर में संघ प्रमुख ने किया हाई सेंटर का लोकार्पण, बोले हमारा समाज धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। मेट्रो की नवी मुंबई लाइन को मिली हरी झंडी, 12 साल के इंतजार के बाद मुंबई वालों को मिला बड़ा तोहफा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना से मुठभेड़ में एक संदिग्ध की मौत, हथियार और गोला बारूद बरामद। जबकि हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निर्वाचन क्षेत्र में की सार्वजनिक बैठक, लोगों को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने असर डोडा बस दुर्घटना के घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे भाषण में हिस्सा लिया। हैदराबाद में मंत्री केटी रामा राव ने की सार्वजनिक रैली, रैली में मौजूद लोगों को संबोधित किया। गाजा की तरफ से भी इसराइल पर हुए रॉकेट हमले, इसराइल के एंटी डोम सिस्टम ने रॉकेट को हवा में बेअसर किया। दक्षिणी गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत, हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने कहा युद्ध के चलते गाजा सिटी छोड़कर आए खान यूनस। बहरीन के क्राउन प्रिंस ने युद्ध पर विराम लगाने के लिए हमास और इजरायल के बीच होस्ट ट्रेड के लिए बुलाई बैठक, युद्ध रोकने पर हो सकती है बातचीत। गाजा में हमास के ठिकानों से हथियारों का जखीरा बरामद, इजरायली सेना ने बड़ी संख्या में जब्त किए रॉकेट्स और अत्याधुनिक राइफल। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बद्रीनाथ कपाट बंद होने से पहले रंग बिरंगे फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाने का काम शुरू, आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजे बाबा केदार, अब 6 महीने तक यही होगी बाबा केदार की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र की डोंबिवली में एक शख्स की जमकर पिटाई, लूटे पैसे, क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 को किया गिरफ्तार इस मामले में। जबकि महाराजगंज में मां के साथ घर लौट रही युवती का पर सिरफिरे युवक ने कर दिया एसिड अटैक, 10 दिनों बाद भी पीड़िता की शादी। कानपुर में एक महिला शिक्षक पर FIR दर्ज, शिक्षिका पर 10वीं के छात्र के साथ यौन शोषण का आरोप। बहराइच में आवारा जानवरों का आतंक, एक किसान की आवारा जानवर ने पटक पटक कर जान ले ली। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता के भाई पर कांग्रेस नेता ने गोली चला दी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मथुरा में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, स्कूल से घर जा रही छात्रा का 4 युवकों ने किया था अपहरण। अमृतसर आए एक ASI का शव मिला है, अज्ञातों ने गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट। हरदा में टेंट हटाने के दौरान एक युवक की करंट लगने से मौत, 3 घायल। जबकि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर को अचानक मौत हो गई, सीने में दर्द उठने के बाद जान चली गई। रांची में असामाजिक तत्वों ने 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की है, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। झारखंड के गढ़वा में बाइक पर प्रेस लिखकर आरोपी लोगों को लूटते थे, हथियार के साथ हुए 2 गिरफ्तार। सोनीपत में व्यापारी की गाड़ी से बदमाशों ने चुराए 41 लाख रुपए, गाड़ी के टूटे शीशे तोड़ दिया, वारदात को अंजाम दिया। सहरसा में अपराधियों की गोली से घायल शख्स की मौत, आरोपियों की तलाश तेज। अमृतसर में नकाबपोश लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 4.5 लाख रुपए लूटे, आरोपी फरार। उधर फरीदाबाद पुलिस ने कार चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार किया है, चोरों के पास से कई प्रीमियम गाड़ियां बरामद हुई हैं। नाशिक के रिहायशी इलाके में दिखे 2 तेंदुए, वन विभाग लगातार तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश में है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक शख्स की जमकर पिटाई, क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। प्याज के दाम बढ़ने से अलवर के किसानों को बड़ा मुनाफा हुआ, अलवर में है देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी। अरुणाचल सरकार ने शुरू किया सेवा आपके द्वारा अभियान, एक ही जगह पर लोगों को मुहैया करवाया जा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। नासिक में रिहायशी इलाके में 2 तेंदुए ने फैलाई दहशत, वन विभाग ने 1 को पकड़ा। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होगा विश्व का महामुकाबला, फाइनल में 20 साल बाद दूसरी बार फाइनल में जीत के लिए मैदान में उतरेंगी टीम इंडिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फाइनल मैच देखने के लिए वो पहुंच सकते हैं, 100 से ज्यादा हस्तियां पहुंच रही हैं अहमदाबाद।
ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम को भी फाइनल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद। वर्ल्ड कप फाइनल के दिन चंडीगढ़ में आंशिक कर्फ्यू, पटाखे चलाने और ओपन स्क्रीन लगाने पर पाबंदी। जबकि सैन फ्रांसिस्को में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में शिरकत की, कहा वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरा है। टेस्ला फैक्ट्री विजिट में बोले पीयूष गोयल, कहा इस साल टेस्ला को दोगुना कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेगा भारत। शाओमी की पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 अनवील, ऑल इलेक्ट्रिक सेडान की टॉप स्पीड, टेस्ला मॉडल 3 को देगी टक्कर। जबकि एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होगा नया विमान एयरबस A350, सिंगापुर से फ्रांस के टुलूस के लिए बड़ी उड़ान। आज स्पेस एक्स की स्टारशिप रॉकेट दूसरी बार उड़ान भरने को तैयार, दुनिया को मिल सकता पहला रीयूजेबल रॉकेट। डंकी का प्रोमो देखकर चौकी फरा, बोली ऐसी ही थी हैप्पी न्यू ईयर के पहले वजन की कहानी, शाहरुख ने की थी रिजेक्ट। मुंबई आर्ट फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में अर्जुन को हक करते नजर आए करण जौहर। कोलकाता में विकी कौशल ने अपनी आगामी फिल्म सैम बहादुर का प्रमोशन किया। टाइगर 3 की रफ्तार पड़ी धीमी, 5 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से दूर सलमान खान। पिता बने रेसलर द ग्रेट खली, पत्नी हरमिंदर कौर ने बेटे को दिया जन्म।